और आज आपको ऐसी जगह पर लेके आए हैं, आप एक बार आप लोग मेकिंग देख लेंगे ना इनकी जलेबी और समोसे की, तो आप लोग ना इनके फैन हो जाएंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर, और आज आपको ऐसी जगह पर लेके आए हैं, आप एक बार आप लोग मेकिंग देख लेंगे ना इनकी जलेबी और समोसे की, तो आप लोग ना इनके फ़ैन हो जाएंगे। और फैन होने से पहले आप लोग रश देखे भाई, बहुत ज़्यादा रश देखे, रश यार हमेशा यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे एक ना रुकने का बहुत ही खास रीज़न है, जिस ऑयल के अंदर जलेबी बना रहे हैं ना, आपको जब उसको दिखाऊंगा ना तो आप लोग भी इनके फ़ैन हो जाएंगे, और आपका मन करेगा एक बार आप लोग यहाँ पे आके इनकी जलेबी का ट्राई करें। इतने बढ़िया ऑयल के अंदर, एकदम सॉफ्ट ऑयल के अंदर इनकी जलेबी की मेकिंग है, और साथ में इनके पास ना गर्मा गर्म समोसे का भी इंतज़ाम है, तो मीठे के साथ साथ आप लोग इनके समोसे वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और स्टॉल का जो नाम है पृथ्वीराज जी के मशहूर जलेबी और समोसे के लिए ये बेसिकली काउंटर यहाँ पे ये फेमस है, और यहाँ पे आपको इनकी जलेबी और समोसे आपको जब भी आपका मन करे आप लोग मुखर्जी नगर रोड पर आ सकते हैं। मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ, ये जो मेरे सामने देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल गर्ल्स कॉम्प्लेक्स है, उसके ठीक अपोजिट ही ये भैया का अपना स्टॉल यहाँ लगता है। इनकी जो टाइमिंग है वो करीब 4 बजे से लेके रात को 10-10:30 बजे तक। पर देखिए आप, ये लोग अपनी गाड़ीज़ वगैरह से आ रहे हैं, तो ना आपको इन गाड़ियों के रुकने से इनके स्वाद का आप लोगों को आइडिया लग गया। चाय ये रोड साइड पे लगा रखा है, उसके बाद भी इनका जो स्वाद है ना बहुत बहुत कमाल का है यार। जनाब ये भैया गर्मा गर्म जलेबी निकाल रहे हैं, और जिस सवाल की मैंने आपसे बात, रिफाइंड है या ये डालडा वगैरह यूज़ करते हैं आप? डालडा रथ घी, ये जी डालडा का घी यूज़ करते हैं, वो भी रथ का। और ना आप ऑयल की ना क्वालिटी देखिए यार, एकदम नीट एंड क्लीन है, मुझे देख के ना मज़ा आ गया। ये देखिए जी आप इनके जिसमें ये समोसे फ्राई कर रहे हैं ना, उस ऑयल ना आप लोगों को दिख ही गया होगा, एकदम इतना क्लीन है यार, मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब ऐसा बढ़िया फूड अगर आपको खाने को मिल जाए ना तो क्या कमाल की बात है। और COVID-19 देखते हैं ना भैया ने ना एकदम सफाई रख रखी है यहाँ पे, काउंटर ना एकदम नीट एंड क्लीन है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब रश देखिए एक बार, आप इस रस्ते ना आप सभी लोगों को आइडिया लग जाना। अब जो छोटा सा स्टॉल है उसके जो ऑनर है वो हमसे रूबरू हो गए हैं। सबसे पहले अंकल जी नमस्कार, आपको स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर। तो बताइए राज, कितने साल से स्टॉल चल रहा है और आपकी स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है? ये स्टॉल तो अभी नया लगाया है जी। जी जी, बाकी मेरे को ये काम में 40 साल हो गया। 40 साल से कर रहे हैं, ठीक है, ये नया लगाया अभी। अच्छा, यहाँ पे आपने नया साल से? यहाँ पे 1 साल से लगाए हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, मैंने एक चीज़ आपका मतलब फ़ैन हो गया मैं आपका, मैंने इससे पहले करीब 150 वीडियोस बना चुका हूँ मैं, उसके बाद भी ना आप जितना आपको जो जलेबी बनाना है इतना साफ़ ऑयल और समोसे में भी इतना साफ ऑयल मैंने आज तक कभी नहीं देखा, तो उसका राज क्या है मुझे बताइए आप? उसका इलाज यही है, सफाई रखना। हाँ जी, माल अच्छा देना गायक को जी, अच्छे पैसे लेना, चीज़ बढ़िया देनी, मतलब जिस तरह के पैसे होंगे आप वैसी क्वालिटी कस्टमर को देंगे। और मैं जब यहाँ पर रुका था तो काफ़ी रश था, और मैं देखा अभी देखो अभी भी गाड़ियाँ मैं दिखाऊंगा, करीब 5-7 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी रहती हैं, लोग अपना गाड़ी वगैरह में डिलीवरी देते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो मतलब इतने लोग आपके फ़ैन कैसे हैं, कोई खासियत है, स्वाद है या बताइए मुझे आप? स्वाद की वजह से आते हैं सब। अच्छा, स्वाद की वजह से आते हैं। तो अभी आप समोसा आपने? हाँ, मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अपना समोसा खुद ही खाते हैं आप? आज आया हूँ भाई के पास मिलने के लिए, तो मैं भी खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए बात करते हैं रेटिंग, 10 में से कितने नंबर देंगे अपने समोसे को आप? मैं तो 10 के 10 दूंगा। तो अंकल जी बताएंगे 10 के 10 नंबर देंगे। बाकी अंकल, इसके पीछे कुछ स्टोरी एक्सपीरियंस हो आपको, जो आपने बताया 1 साल से चल रहा है, उसके पीछे कुछ आप बताए कि इससे कुछ पुराना टाइम है या नहीं? ऐसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी। जी जी, हम पुराने वक्त से, हम 4 भाई हैं, चारों यही रहते हैं आस पास में जी जी, और इसी काम की लाइन में ही है सब, इसी लाइन में। मतलब एक गर्मा गर्म, एक थोड़ा ठंडा, और साथ में ये धनिया पुदीना अमचूर की चटनी है, मुझे अच्छी लगी। और ये एक नई तरह की चटनी है, चटनी ना थोड़ी थिक नहीं है, और उसके ऊपर ना सौंफ वगैरह भैया डाल रखे हैं, ये इनकी जलेबी हैं। तो और प्राइस जो इनका है, इनका समोसा जो है वो 10 रुपये का है, और जलेबी का जो प्राइस है नॉर्मल है आपको 15 रुपये की, यहाँ पर 100 ग्राम, और सेफ़ एंड हाइजीन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जलेबियों से। ये देखिए आप, एकदम चाशनी से ना ये जलेबी एकदम भरी हुई जलेबी हैं, तो मैं फटाफट 2 बाइट लूँगा। और बढ़िया लगा मुझे, मतलब मज़ा,
वो ना जलेबी जो है वो ना क्रंची जलेबी है, चाशनी में जो डिप कर रखे ना उसके बाद जो टेस्ट आया ना भाई साहब मजेदार। गुड नाश्ते का समोसा मैं आपको इसको दिखाता हूँ फीलिंग्स में। ये देखिए समोसा जो इसमें आलू भरेंगे ना वो आलू मसाले के आलू हैं, सादे आलू नहीं है। उसमें आपको अजवाइन वगैरह धनिया वगैरह दिख रहा है मेरे को और प्राइस 10 रुपये। तो सबसे पहले मैं विदाउट सॉस लूँगा समोसे को। समझ रहे हो ना कंचित है। उसके बाद देखिए आप ऑयल जीरो ऑयल है ना, ड्राई समोसा है और ऑयल कहीं भी नहीं है। तो ये हेल्दी और बढ़िया ऑप्शन है। अब मैं ट्राई करूँगा इनकी ये धनिया पुदीना और अमचूर चटनी साथ। समोसा जो है वो अभी तक क्रिस्पी यार कमाल। और नेक्स्ट की ये देखो चटनी ये देखिए आप भाई 10 रुपये में तो ये डील ना महंगी डील नहीं है क्योंकि ड्राई समोसा है और जो आलू वगैरह मसाले के आलू हैं और ना बड़े अच्छी फिलिंग कर रखी है। देखिए आप मैं आपको दिखाऊँ समोसे का साइज़ देखिए आप एकदम हेल्दी। और अगर आपने 2 समोसे खा लिए ना तो आपके पूरे दिन छुट्टी हो गई। तो बहुत बढ़िया डील है मेरे हिसाब से ये। अगर आपका समोसे वगैरह मन करता है और आप मुखर्जी नगर के आसपास या कैंप में रहते हैं तो आप पृथ्वीराज जी के पास आके इनके समोसे और जलेबी का एंजॉय कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी और ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा। रेटिंग की बात करते हैं जलेबी के लिए 10 में से 9 नंबर और इनके समोसे के लिए तो मैं अपनी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है 10 में से 9.5 नंबर क्योंकि प्राइस ठीक लगा 10 रुपये का है, क्वालिटी बढ़िया है, अंदर जो मसाले वाले आलू हैं वो ना एकदम परफेक्ट बैलेंस मसाले हैं जिससे आपको हर एक बाइट में मज़ा आ जाएगा। तो इस बाइट को लेकर करते हैं वीडियो को एंड। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नई जगह नए स्वाद नए टेस्ट के साथ। थैंक यू यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल फूड जो दिल से। थैंक यू सो मच।